आज मैं जिस वीडियो को शेयर करूंगी, ऐसे वीडियोस मैंने कभी भी अपने चैनल पे नहीं शेयर किया है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी। सो आज मैं शेयर करने जा रही हूँ एक चिट चैट गेट रेडी विद मी, जहाँ मैं रेडी होंगी और आप लोगों के साथ बातें भी करती जाऊंगी। मैं अपने शूट के लिए रेडी हो रही हूँ, सो चलिए साथ में रेडी होते हैं। सबसे पहले मैं अपने स्किन को प्रेप करूंगी, उसके लिए आई एम यूजिंग दिस प्लम ग्रीन टी फेस टोनर। अब मेरा जो फेस है ना, वो बिल्कुल गीला है, तो इसी गीले फेस पर मैं ये फिजियो जेल का जो क्रीम है, यू ऑल नो आई लव दिस क्रीम, मैं इसे अप्लाई करूँगी। थोड़ा सा मैं लूँगी एंड फिर इसे इस तरह से जस्ट वार्म अप इन बिटवीन माई फिंगर्स, और अपने डैम्प फेस पे ही मैं इसे इस तरह से अप्लाई करूँगी। मैं एक्चुअली आज मैं बहुत दिनों बाद अपने यूट्यूब के लिए कुछ शूट करूँगी, काफ़ी दिनों बाद, बिकॉज यू नो माई मॉम वॉज इल, तो मेरी मम्मा हॉस्पिटल में एडमिट थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो काफ़ी दिनों बाद मैं यूट्यूब एक प्रॉपर वीडियो शूट करने बैठी हूँ। ओके, नाउ आई विल बी यूजिंग दिस फाउंडेशन, ये मेबेलिन का फाउंडेशन है, माई शेड इज 120। एक पंप मैं यहाँ पे लूँगी एंड देन आई विल जस्ट डॉट इट ऑल ओवर माई फेस, और फिर मैं जैसे हम लोग क्रीम अप्लाई करते हैं ना वैसे। अब देखिए, शूट के लिए जब भी मैं तैयार होती हूँ, मैं इतनी जल्दी में तैयार होती हूँ ताकि जस्ट पाँच मिनट लगे मुझे रेडी होने में, और मैं जनरली एक नेचुरल लुक ही प्रेफर करती हूँ। वैसे तो आज मेरा प्लान है कि मैं एक फैशन वीडियो शूट करूँ, शॉर्ट्स बेसिकली। आज का जो मेरा शेड्यूल है वो फुल्ली शॉर्ट्स के लिए है, तो इसीलिए मैं एक काजल आई लुक क्रिएट करने वाली हूँ। एक्चुअली मैं अभी अपने रूम में हूँ, तो अपने रूम में जितने भी मेकअप प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, वो मेरे एक्स्ट्रा मेकअप प्रोडक्ट्स हैं जो कि इन दोनों पाउचेस में रहते हैं, लेकिन जो मेरे ओरिजिनल मेकअप प्रोडक्ट्स हैं वो मेरे वैनिटी में है, सो वो दूसरे रूम में है। ओके, मेरे पास अभी कंसीलर नहीं है अनफॉर्चुनेटली, तो मेबेलिन के इस फाउंडेशन का एक पंप मैं लूंगी इस तरह से एंड मैं इसे कंसीलर की तरह इस्तेमाल कर लूंगी। अब मैं आई शेडो अप्लाई करूंगी, तो मैं एक ब्राउन न्यूड काइंड ऑफ एक आई शेडो लुक क्रिएट करूंगी एंड आई हैव दिस मेकअप रेवोल्यूशन आई शेडो पैलेट विद मी, सो इससे ये वाला शेड पहले मैं लूंगी एंड आई जस्ट बफ दिस ऑल ओवर माई आईलिड। ये एकदम एक क्विक गेट रेडी विद मी है क्योंकि मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। उसके बाद मुझे आउटफिट भी चेंज करना है एंड मेरे हेयर स्टाइल का भी कुछ करना है। मैंने कुछ दिनों पहले इंस्टाग्राम पर एक पोल डाला था कि अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है देन यू ऑल कैन आस्क मी, तो उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। जनरली सारे क्वेश्चंस ही रिलेटेड टू माय वेडिंग एंड माय हस्बैंड एंड माय पोस्ट मैरिज लाइफ के लिए है। मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी हमारा लव स्टोरी एंड हमारा शादी सब कुछ कैसे हुआ, उसके ऊपर मैं एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी अलॉन्ग विथ हिम। ओके, माई आईब्रोज आर अनग्रूम्ड राइट नाउ, मैं थोड़ा सा ये वाला आईब्रो ब्रश इसमें इस तरह से ड्रॉ कर दूंगी नेचुरल शेप में ही, एंड आई हैव दिस आईब्रो पेंसिल फ्रॉम ब्लू हेवन, दिस इज एन अमेजिंग आईब्रो पेंसिल। अगर आप कोई अफोर्डेबल बजट फ्रेंडली मेकअप प्रोडक्ट्स ढूंढ रहे हैं देन गो फॉर ब्लू हेवन, उनके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं आजकल, तो क्वालिटी भी और अच्छी हो गई है। फिर मेरे पास एक ब्लश चीक पैलेट है, एक्चुअली वो स्विस ब्यूटी का है, ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था, सो इससे मैं कॉन्ट्यूरिंग करूँगी थोड़ा सा कॉन्ट्यूर शेड लेकर। तो यहाँ पे ना ब्लश भी है, सो आई एम जस्ट यूजिंग द ब्लश शेड, अपने चीक बोन्स पर मैं ब्लश को इस्तेमाल करती हूँ और कॉन्टूर के साथ इस तरह से मैं ब्लेंड कर दूंगी। एक्चुअली यहाँ पे कोई भी मिरर वगैरह नहीं है, तो मैं कैमरा का जो डिस्प्ले है वहीं पे देख के मेकअप कर रही हूँ एंड आई एम ना वेरी हरी, मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। सो फॉर हाइलाइटर मैं इनसाइट का, ये मेरा फेवरेट हाइलाइटर, मैं अपने वेडिंग पे भी, वेडिंग जितने भी फंक्शंस थे ना,
सारे फंक्शंस में मैंने ये वाला हाइलाइटर ही इस्तेमाल किया है एंड दिस इज़ वेरी अफोर्डेबल, ये सिर्फ 99 रुपीज़ का है। ये ओलिविया का काजल है, ये मुझे पीआर में रिसीव हुआ था फ्रॉम ओलिविया कॉस्मेटिक्स। ऑलराइट एंड नाउ मस्कारा, ये भी मार्स का मस्कारा है। सो ये एक अफोर्डेबल काइंड ऑफ वीडियो है जिसमें मैं सिर्फ अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स से इस्तेमाल कर रही हूँ। आई थिंक इस वीडियो में सबसे ज़्यादा जिसकी प्राइस थी वो थी फाउंडेशन की। यहाँ पे मेरे पास ये दो शेड है, बाकी मेरे एक लिपस्टिक का अलग से एक पाउच है, उसमें मैं सारे अपने लिपस्टिक्स को स्टोर करती हूँ। तो वो पाउच अभी मेरे पास नहीं है, वो मेरी वैनिटी पे है, वैनिटी में है। ये एक न्यूड काइंड ऑफ शेड है एंड उसके ऊपर आई जस्ट अप्लाई दिस पिंक शेड। एंड आजकल ग्लॉसी लिप्स का बहुत ज़्यादा ट्रेंड है, तो मैं इसके ऊपर प्लम का ही ये लिप बाम है इसे इस तरह से अप्लाई कर दूंगी ताकि वो जो ग्लॉसी इफेक्ट है वो आ जाए। They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because. So guys, this is my final finished look. मेरा outfit change है क्योंकि मैं fashion video shoot करने वाली हूँ, इसीलिए मैंने outfit को change नहीं किया है. So that is it for today's video. अगर ये video पसंद आए, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. So thanks for watching. Bye.